इस टॉपिक में मैं आज आपको बताने वाला हूं स्थिर लागत किसे कहते हैं, परिवर्ती लागत किसे कहते हैं और कुल लागत किसे कहते हैं। इसको तालिका और रेखा चित्र के द्वारा भी बताया जाएगा। स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में क्या अंतर होता है इसको भी समझाया जाएगा। तो बोर्ड की ओर चलते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ मेरा सबसे ऊपर पहले अल्पकालीन लागत। तो जो अल्पकाल होता है इसमें उत्पादन के सभी साधनों को हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय की कमी होती है। इसलिए कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन क्या होते हैं, परिवर्ती रहते हैं, और उसके आधार पर क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले कि स्थिर लागत किसे कहते हैं। स्थिर लागत को इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। तो स्थिर लागत की जो डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है कि वह लागत जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात उत्पादन चाहे घटे या बढ़े इस लागत में, अर्थात स्थिर लागत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जितनी लागत लग गई है, जितना पैसा खर्च हो गया है, वह उतना का उतना ही बना रहेगा। अल्पकाल में चाहे उत्पादन शून्य हो जाए, अल्पकाल में यदि उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है प्लांट में, उत्पादन क्या जाता है बिल्कुल नहीं होता है, उत्पादन शून्य हो जाता है, किंतु यह लागत ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इसका अर्थ आपको एक सिंपल भाषा में समझाते हैं कि स्थिर लागत अर्थात एक प्लांट की बात करते हैं, कि जैसे कि टीवी बनाने वाला कोई प्लांट है, टीवी बनाने वाला कोई कारखाना है। और आपने देखा होगा कि जब 25 मार्च 2020 को पूरे इंडिया में लॉकडाउन शुरू हो गया था और लगभग 2 महीने तक तो फुल लॉकडाउन रहा, तो उस समय क्या हो गई, सारी कंपनियों में प्रोडक्शन बंद हो गया। तो मैं टीबी की बात कर रहा हूं, तो टीबी के प्लांट क्या हो गया, पूरी तरह बंद हो गया। ओके, लेकिन टीबी के प्लांट पर जितना पैसा खर्च हो रखा है कंपनी का, ठीक है, तो वह पैसा क्या हो गया, स्थिर लागत के अंतर्गत आएगा। माना कि कंपनी ने उस पर पैसा खर्च कर रखा है 20 अरब रुपया, तो वह 20 अरब रुपये उसकी लागत रहेगी। प्लांट खड़ा का खड़ा रहेगा, उसमें जो मशीनें हैं जिनपे जितना खर्च हो रहा है वो वहीं का वहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जो उस पे जितना खर्च हो रखा है, ठीक है, चाहे उत्पादन हो या न हो, ठीक है, वहां पे भूमि भी होगी, ओके, पूंजी का ब्याज भी होगा, ओके, इसी प्रकार से जो वहां पे अस्थायी कर्मचारी होंगे, ठीक है, कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर हैं वो होंगे, बिजली वहां लगी होगी, पानी वहां लगा होगा, ओके, सुरक्षा भी वहां होगी, अर्थात गार्ड भी लगे हुए होंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से उनको तो पेमेंट करना ही होगा। तो इस प्रकार से जो स्थिर लागत होती है वह उत्पादन कार्य प्रारंभ होने से पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि उत्पादन तो बाद में होगा। मैं टीवी की बात कर रहा हूं, तो टीवी का जो प्लांट है उसको लगाने में 2-3 साल लग जाते हैं, अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, ओके, और उत्पादन एक भी टीवी का नहीं होता है। तो इस प्रकार से जितना रुपए उस समय खर्च हो जाता है वह स्थिर लागत कहलाएगा। ओके, अब देखिए स्थिर लागत में जैसे हमने उदाहरण लिया है कि भूमि भवन का किराया हो गया, ओके, और लाइट भी लगी होगी, प्लांट का खर्चा भी हमने इसमें रखा हुआ है, इसी प्रकार से बीमे की राशि, टीवी के प्लांट की बात कर रहा हूं तो बीमा कर रखा होगा, क्योंकि बीमा इसलिए किया जाता है कि कभी फैक्ट्री में आग लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनियां करती हैं। अस्थायी कर्मचारियों का भुगतान, जो वहां पे कर्मचारी हैं वेतन भोगी हैं, उनको वेतन देना पड़ेगा, चाहे उत्पादन हो या ना हो, कुछ दिन के लिए उत्पादन रुक गया, जिसमें लॉकडाउन में कहा कि लॉकडाउन में तो काफी लंबे समय के लिए उत्पादन रुक गया था, ओके, इसी प्रकार से सुरक्षा पे जो वहाँ गार्ड लगे हैं, पानी की व्यवस्था होगी, मशीनों को जो घिसावट हुई है, ठीक है, मशीनें टूट फूट हुई हैं, तो इस प्रकार से ये सारे के सारी चीजें जो होती हैं वो स्थिर लागत के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान रखने योग्य की बात क्या है कि स्थिर लागत कभी भी क्या होती है, शून्य नहीं होती है। स्थिर लागत ज्यों की त्यों बनी रहती है, उत्पादन चाहे हो या ना हो, स्थिर लागत हमेशा बनी रहती है। जैसे कि पहले मैंने आपको उदाहरण में बताया कि कंपनी पहला प्लांट लगा चुकी है और प्लांट पे जितना पैसा खर्च हो चुका है तो वो स्थिर लागत के अंतर्गत आएगा। प्लांट कुछ समय के लिए बंद हो गया, उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन पैसा तो खर्च हो चुका है, तो वो पैसा जो खर्च हुआ है वो स्थिर लागत के अंतर्गत आएगा। ओके, तो अगला आता है परिवर्ती लागत। स्थिर लागत के ठीक उल्टा क्या होता है, परिवर्ती लागत होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कि जो लागत क्या होती है, उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती
और उत्पादन कम होने पर घटती है। यानी कि जो परवर्ती लागत होती है या जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, यदि उत्पादन बढ़ता है तो यह लागत भी बढ़ेगी, अर्थात वस्तु के प्रोडक्शन में पैसा खर्च करना पड़ता है, तो जैसे जैसे वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा उस पर ज्यादा पैसा खर्च होगा तो क्या होगी, लागत होगी, तो लागत बढ़ना शुरू कर देगी। और इसके विपरीत यदि उत्पादन घटता है, यदि बाजार में उसकी डिमांड कम होती है, तो वस्तु का उत्पादन जब कम होगा तो खर्चा भी कम होगा, तो लागत भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि उत्पादन क्या होता है, नहीं होता है, तो परवर्ती लागत शून्य भी हो जाती है। कि जैसे कि लॉकडाउन में उत्पादन हो गया था बंद, उत्पादन हो गया था चौपट, लेकिन जो परवर्ती लागत थी वो भी हो गई थी शून्य, क्योंकि उत्पादन जब हो ही नहीं रहा था, नई टीवी नहीं बन रही थी, जैसे उदाहरण दे रहा, नई गाड़ियां नहीं बन रही थी, ओके, नए कपड़े नहीं बन रहे थे, सब्जियां जो थी एकदम ठप हो रखा था, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तित लागत भी क्या हो गई थी, शून्य हो जाती है। जब उत्पादन नहीं होगा तो शून्य, ठीक है, और जैसे जैसे उत्पादन होगा तो लागत भी बढ़ना शुरू कर देगी, अर्थात उस पर खर्च होना शुरू हो जाएगा। ओके, हर चीज जो यहां पर इस्तेमाल होगी, जैसे कच्चा माल है तो उत्पादन बढ़ेगा तो कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उतना ज्यादा कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि कम उत्पादन होगा तो कम कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ज्यादा माल लाना पड़ेगा तो लागत बढ़ेगी, कम लाना पड़ेगा तो लागत क्या हो जाएगी, ऑलरेडी कम हो जाएगी। इस प्रकार से परिवहन भी है, जो सामान आ रहा है जा रहा है वो किस में आएगा, गाड़ी में आएगा, विदेशों से आ रहा है तो किस में आएगा, शिप में आएगा, तो परिवहन का चार्ज होगा। ओके जी, इसी प्रकार से श्रमिकों की क्या होगी, मजदूरी होगी, लेबर पहले कम लगाए जा रहे हैं, जो अस्थायी मजदूर होते हैं, एक तो परमानेंट होते हैं कि जिनको तो वेतन देना ही देना पड़ता है कि स्थिर लागत में आएगा, लेकिन श्रमिक जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो अस्थायी जो कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है, कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो श्रम है वह उत्पादन का एक साधन है। ओके, इस प्रकार से इसी काल में परिवर्तनीय लागत में यदि आप क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज ज्यादा करते हैं, ओके, दूर संचार इसकी बात में कर रहा हूं, उसका ज्यादा यूज करते हैं तो उसका बिल क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि कम करेंगे तो घटेगा, और नहीं करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो देखिए परिवर्तनीय लागत के बारे में क्या है, कि परिवर्तनीय लागत उत्पादन की मात्रा के साथ बढ़ती है और उत्पादन की मात्रा के साथ घटती है, और यदि उत्पादन नहीं होता है तो यह शून्य हो जाती है। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरी लागत की ओर, यह है कुल लागत। क्या बोला, कुल लागत, इंग्लिश में इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। ओके, अब जो ये टोटल कॉस्ट होता है, यदि हम स्थिर लागत, ठीक है, एफसी फिक्स्ड कॉस्ट, और ये जो परिवर्तनीय लागत है वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे वीसी लिखा, इन दोनों लागतों को जोड़ दें तो हमारा यहां क्या निकल कर आएगा, टीसी निकल कर आ जाएगा, अर्थात कुल लागत निकल कर आ जाएगी। तो कुल लागत क्या हुई, कि किसी वस्तु के उत्पादन में जितना खर्च किया जाता है वह उस वस्तु की कुल लागत कहलाती है। ओके जी, जैसे यहां पे देखिए कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एक उदाहरण लेते हैं, 10 रुपया है और बीसी है आपकी 15 रुपया। ओके, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 25 रुपया किसी वस्तु के उत्पादन की। तो इस प्रकार से एक तो हो गया स्थिर लागत, एक हो गया परिवर्तनीय लागत, और तीसरा हो गया कुल लागत। तो इन दो लागतों का जोड़िया भी बताया मैंने, कुल लागत अर्थात टीसी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एफसी फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत धन वीसी अर्थात वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनीय लागत। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल लागत निकल कर आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण बताया, यदि एफसी 10 रुपीज है और बीसी क्या 15 रुपीज है, तो टोटल खर्चा क्या हो जाएगा, 25 रुपीज हो जाएगा। तीनों लागतों को समझने के बाद अब इसको एक काल्पनिक तालिका पर समझते हैं। तालिका आप जब बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे एक्स वस्तु का उत्पादन केजी में किलोग्राम में 0 से लेकर 6 तक। दूसरा आता है फिक्स्ड कॉस्ट अर्थात स्थिर लागत, इसमें है रुपये में है, तो 10, 10, 10 लिखेंगे, अर्थात जब किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो, उत्पादन शून्य है, तो उस समय जो स्थिर लागत होती है
वह 10 है, अर्थात स्थिर लागत शून्य नहीं होती है, यह पहले ही बता दिया है। और यहां पर देखिए कि जब उत्पादन शून्य है तो स्थिर लागत 10 है। ओके, उत्पादन यदि 1 किलो होता है तब भी क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 10 रुपया है। ओके, यदि केवल दो वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, ओके दो वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है तो उस समय भी 10 ही रहेगी, चाहे 3 हो 10 रहेगी, 4 होगी चाहे 10 है, अर्थात सभी जगह जो एफसी होगी, जो स्थिर लागत होगी वह स्थिर रहेगी। ओके, अगला देखिए, यहां पे लिखा है वीसी। वीसी का मीनिंग क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे लिखा है परवर्ती लागत। तो परवर्ती लागत के बारे में पहले बताया कि जो परवर्ती लागत होती है, जब उत्पादन क्या होता है शून्य है तो परवर्ती लागत क्या होगी, शून्य होगी। उसके बाद क्या होगा, एक वस्तु का उत्पादन होगा तो 10, उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा तो परवर्ती लागत क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और यदि उत्पादन घटता है उल्टे क्रम में 6 से 5 होता है तो देखिए 30 से 26 परवर्ती लागत घट जाएगी, और यदि घटते घटते यदि उत्पादन किया जाता है शून्य हो जाता है तो परवर्ती लागत भी क्या होगी, घटते घटते शून्य हो जाएगी। ठीक है, जब उत्पादन नहीं होगा तो शून्य, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो उसी प्रकार से जो हमारी वीसी है परवर्ती लागत वो भी बढ़ती चली जाएगी। अगला देखिए टीसी। टीसी का मीनिंग हो गया कुल लागत या टोटल कॉस्ट, इसको कहते हैं। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल कर आती है, यानी कि एफसी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत, इन दोनों का जोड़ करके टीसी आती है। तो 10 धन 0 बराबर 10, 10 में 10 जोड़ो 20, 10 में 14 जोड़ो 24, 10 में 18 जोड़ो 28, और इस प्रकार से जोड़ते चले जाओ और यहां तक 40 आ जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है तो ऐसे में क्या होगा, टीसी भी बढ़ रही है। ठीक है, पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 24 है, फिर 28 है, 33 है, 36 है और 40 है। ओके, तो इस प्रकार से वीसी भी बढ़ रहा है तो साथ में टीसी भी बढ़ रहा है, दोनों लागतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अगला देखिए जो टीसी होता है, इसी में देखिए जो टीसी यहां पे लिखा हुआ है और जो ये वीसी लिखा है। ओके, तो टीसी और वीसी इन दोनों को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, एफसी निकल जाएगा। यदि हम क्या करेंगे, 10 में से 0 करेंगे 10, और 20 में से 10 घटा देंगे तो 10। ओके, और 28 में से 10 घटा देंगे तो 18, और 33 में से 23 घटा देंगे तो 10। ओके, तो टीसी से यदि वीसी घटा देंगे तो एफसी, और एफसी प्लस वीसी इज इक्वल टू टीसी। तो इस प्रकार से वीसी और टीसी का प्रत्येक बिंदु पर, चाहे हो क्या उसका नाम, यहां पर हो, 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 जो अंतर होगा वह बराबर ही होगा, क्योंकि इसके बीच अंतर देख रहे हैं कि 40 और 30 के बीच 10, और 36 और 26 के बीच 10, और 33 और 23 के बीच 10, अर्थात बीसी और टीसी के में क्या होगा, प्रत्येक उत्पादन के प्रत्येक बिंदु पर, यहां पे, 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 जो अंतर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। अगली बात देखिए, जो ये तीन लागत यहां पे लिखी हुई है, जो मैं आपको यहां पर तालिका में बता रहा हूं, इन तीन लागतों को सामूहिक लागत भी कहते हैं, एग्रीगेट कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको, सामूहिक लागत कहते हैं। तो जो मैं बता रहा था आपको कि जो क्या होता है कि एफसी अर्थात स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होती है, अर्थात उत्पादन शून्य है लेकिन एफसी 10 रुपया है। परवर्ती लागत के बारे में क्या बोला था कि यदि उत्पादन शून्य रहेगा तो परवर्ती लागत शून्य रहेगी, और यदि उत्पादन 1 केजी होता है तो 1 केजी की जो उत्पादन लागत है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो 10 रुपये आ जाता है। ओके, और इसी प्रकार से जब 6 किलोग्राम एक्स गुड्स का उत्पादन होता है तो उस पर खर्चा, जिसे हम लागत कह रहे हैं, वो 30 रुपये आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गई तालिका। अब तालिका के बाद आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए इसी तालिका के आधार पर ये रेखा चित्र हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। रेखा चित्र को तैयार करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक खड़ी रेखा, ठीक है, और एक पड़ी रेखा खींचनी है। ये दो आधार स्तंभ है, ठीक है। हमारी पड़ी रेखा कौन सी है, यहां से ओ से लेकर और एक्स तक, इस प्रकार से एक रेखा यहां खींच देंगे, और यहां से लेकर और यहां तक रहा ये वाई हो गया, ठीक है, वाई अक्ष हो गया,
और हमारा ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा ये एक्स अक्ष है इस पर हम क्या दिखाएंगे, एक्स वस्तु का उत्पादन केजी में, जो हमने यहाँ लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से इस रेखा को हम 6 बराबर भागों में स्केल की सहायता से बांट देंगे। उसके बाद लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना काम कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि यहां नजर डालना है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, देखना है कि सबसे न्यूनतम संख्या कौन है और इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है 10 और सबसे बड़ी संख्या है 40, अर्थात हमारा 10 भी इसमें कवर होगा, ठीक है, और इसमें हमारा क्या होगा 40 भी कवर हो जाएगा, और इसके बीच अर्थात 10 और 40 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं, लागत है, वो सारी की सारी इसमें कंप्लीट होने वाली है। ओके, तो अब क्या करेंगे कि यहां से लेकर और हमको यहां तक 40 तक दिखाना है, 10 से लेकर या हम कहें 0 से लेकर, तो मैंने क्या किया है कि 4, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर क्या कर दिया कि 4 क्या दिखा दिया यहां पर, FC, VC, TC, ये तीनों जो लागत हैं इसी रेखा पर आएंगी, तो 4 रुपए, 1 सेंटीमीटर 4 रुपए को दिखाएगा, तो 2 सेंटीमीटर 8, फिर उसके बाद अगला 12, फिर 16, 24, अर्थात 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 16, 4 × 20, 4 × 24, और इस प्रकार से करते हुए 40 तक ये हमारा आ गया। ऐसा क्यों किया 4-4 के टुकड़े में, क्योंकि हमने इसमें 10 भी दिखाना है, ठीक है, 14 भी दिखाना, 18 भी दिखाना है, 23 भी दिखाना है, 26 भी दिखाना है, इसी में देखिए हमारा 24, 26 सारी संख्याएं आने वाली हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक्स अक्ष है इसका टाइटल ये हो गया एक्स वस्तु का उत्पादन केजी में, जो यहां दे रखा है, और इस वाली रेखा का जो टाइटल है यह है स्थिर लागत, परिवर्तनीय लागत और कुल लागत रुपये में। ओके, अब सबसे पहले चलते हैं एफसी। एफसी मीन्स हो गया स्थिर लागत या फिक्स्ड कॉस्ट, कितनी है 10, 10, 10, 10। अभी हमने ये रेखा बना रखी है, कैसे बनाई सीधी, देखिए जब यहां पर है 0, ओके, तो 0 पर कितना आ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, 10 आ रहा है, तो इसलिए यहां पर एक पॉइंट लगा दिया। ओके, जब एक वस्तु अर्थात एक्स वस्तु का पहला अर्थात 1 kg का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसकी लागत कितनी है, उसकी भी 10 है, अर्थात यहां पे 8 × 2 = 10, तो इस प्रकार से 1 पर भी 10, 2 पर भी 10, 3 पर भी 10, 4 पर भी 10, 5 पर भी 10 और 6 पर भी 10, ठीक है, देखिए 1 पर 10 फिक्स्ड कॉस्ट, 2 पर 10, इस प्रकार से ऐसी स्थिति में यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यदि हम 0 को भी इंक्लूड कर दें, तो इस प्रकार से हमारे ये पॉइंट बन रहे हैं, इन पॉइंटों को हमने क्या करना है आपस में मिलाना है, पटरी पकड़नी है, ठीक है, और इनको हम आपस में मिला देंगे, तो हमें जो यह रेखा प्राप्त होगी इसे कहेंगे एफसी। क्या बोलेंगे इसको, एफसी, फिक्स्ड कॉस्ट या स्थिर लागत की रेखा इसको कहेंगे। ये रेखा क्या बतला रही है, चाहे उत्पादन 1 किलोग्राम हो, ओके, तब भी लागत कितनी है 10, 0 भी हो तब भी 10, 6 किलो हो तब भी 10, क्योंकि 10 हमारा यहां पर आ रहा है। ओके, चाहे उत्पादन 6 हो, चाहे 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, और चाहे उत्पादन कुछ भी ना हो, शून्य हो, तो तब भी जो स्थिर लागत आएगी वो यहां पर 10 ही आएगी, इसलिए ये रेखा हो गई आपकी पड़ी रेखा। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी जो रेखा है, ठीक है, लागत की, वह वीसी, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्ती लागत, यह है 0, 10, 14, ठीक है, तो 0 अर्थात जब किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो यहां से स्टार्टिंग करेंगे इसके। ओके, 0 पर 0, 1 पर 10, तो 1 पर अर्थात 1 केजी जब उत्पादन हो रहा था यहां पे 10 एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, जब 2 का हो रहा है तो वहां देखिए 14 आ रहा है, जब 3 केजी का हो रहा है तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ओके, 18 अर्थात यहां से देखना है 16, 4, 20 और यहां पे हो जाएगा 18, तो इसके सामने इस प्रकार से ये हो गया। ओके जी, और इसी प्रकार से 12 और 2 = 14, इसके सामने ये हो गया, इसलिए ये पॉइंट लगा रखा है, ये लिखा है यहाँ पे, आई लिखा है, बी लिखा हुआ है, और जब चौथी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो उस समय देखिए 4 के सामने यहां देखिए 23 आ रखा है वीसी, तो 4 के सामने यहां जाना है और यहां से
इसको लेना है ठीक इस सीध में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लेंगे, ओके। जब पांच का हो रहा है, ठीक है, 5 kg का हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 26 रुपीज है। तो 26 कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए ये 24 है, और 24 और 2 26, इसको ठीक आगे लाना है और यहाँ पे आ गया, ओके। और अंतिम जब 6 kg का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारी जो वीसी है, वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनीय लागत, ठीक है, वो कितनी है, यहाँ पर है, कितनी है, 30 है। तो हमारा 30 यहाँ से चला गया, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ले लेंगे हम सीधे, ठीक है, 28 और 2 30। इसी प्रकार से ये हमने बना दिया। तो कितने बिंदु बन गए, पहले यहां से शुरू हुआ था 0 से, फिर एक बिंदु यहां बना, 2 3 4 5 6, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये बिंदु मैंने पॉइंट लगा दिया, यहां पॉइंट लगा दिया, यहां पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, यहां पॉइंट लगा दिया, यहां पॉइंट, और उसके बाद यहां से इसको मिलाते हुए चलेंगे इस प्रकार से, और ये हो जाएगी हमारी कौन सी लागत, वेरिएबल कॉस्ट। तो परिवर्तनीय लागत क्या हो रही है, कि जब उत्पादन क्या है, शून्य है, उत्पादन शून्य है तो लागत भी शून्य, अर्थात किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा तो लागत किस चीज की आएगी, खर्चा किस चीज का आएगा, जब कोई चीज बनेगी नहीं, ओके। लेकिन जैसे ही 1 kg का प्रोडक्शन होता है, तो तुरंत ही क्या हो जाता है कि 10 रुपए का खर्चा जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 रुपए का खर्चा जाता है। उसके बाद जैसे ही दूसरे करते हैं तो खर्चा, लागत बढ़ जाती है, फिर लागत बढ़ती है, इसलिए ये रेखा क्या लगातार ऊपर बढ़ रही है। जो क्या बता रही है, वही बता रही है कि जैसे जैसे यहां उत्पादन बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब भी ये वक्र कर्व ऊपर की ओर चढ़ता है, तो यह लागत को बढ़ता हुआ दिखाता है, ओके। ये तो हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनीय लागत का वक्र। अब चलते हैं हम अपना टीसी, ओके। टीसी देखिए कि हमारा जो उत्पादन 0 है यहां पर, उसके सामने ठीक 10 है, तो 10 यहां पर है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, जब एक वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारे उसके सामने देखा 20 है, तो इसके सामने जाना है और ठीक 20, इसलिए मैंने रेखा ले रखी है कि जो इसी के सीध में आ जाए। आपको समझाने के लिए, सरलता के लिए, इस प्रकार से एक ही इस प्रकार से ले रखा है कि 1 2 3 4 5 6, इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाए, ओके। नहीं तो रेखा चित्र बनाना क्या होता है, कठिन हो जाता है, इसलिए हमने पहले से तैयार कर रखा है, केवल बता रहा हूं किसको किस प्रकार से आप बनाएंगे, ओके। अब देखिए कि पहली जो वस्तु है, ठीक है, अर्थात जब 1 kg एक्स गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो टीसी कितनी है, 20 आ जाती है। तो यहां पे देखिए हमने इसी रेखा को ऊपर बढ़ाया और 20, अर्थात यहां से लेकर और यहां पर इधर को मिलाएंगे 20 हो जाएगा, ओके। वहां पर दूसरे प्रकार डालिए कि दूसरा का होता है, तो ये 24 हो गया, हमने इसी रेखा को यहां पर बढ़ाया, इसी को बढ़ाया, क्योंकि हमें 2 kg स्पष्ट हो जाए, यहां पर भी और उसके बाद यहां पर भी, ओके। फिर तीसरा देखिए कि 3 kg का प्रोडक्शन करने के लिए लागत, देखिए टीसी कितनी आती है, 28 आती है, 28 कहां पे है, ये देखिए आप यहां पे देखिए 28, इस प्रकार से हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे आ गया, फिर आगे की तरफ कितना आया, उसके बाद हमारा 33 आ गया, तो 32 यहां पर है, तो 33 यहां पे आ गया, एक पॉइंट लगा दिया, ओके जी, इसे रेखा को ऊपर ले गया मैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए 36 आ रहा है, 36 यहां पे सीधे यहां मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से रेखा नहीं खींची हमने, यहीं से इसकी क्या ले ली, सीध ले ली। तो इस प्रकार से जो लाइनें हैं सारी वर्टिकल लाइनें हैं, कैसी लाइनें हैं, वर्टिकल लंबवत हैं, ओके। कि जैसा कि हमारा वाई अक्ष है, और सबसे अंत में देखिए टीसी यहां है, ठीक है। 40 अधिकतम जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 40। तो छठवीं, अर्थात जब 6 kg का उत्पादन होता है, यहाँ 40 है, इसकी सीध में लिया, ठीक है, और इसको यहाँ ले लिया, तो इस रेखा को हमने यहाँ से यहाँ मिलाया पहले, फिर इसको यहाँ मिला दिया। तो इस प्रकार से ये सभी हमारे एक सीध में आ गई, ओके। आप देखिए यहां पर अर्थात डी ई चाहे ए बी है, ठीक है, इस बिंदु पर, इस बिंदु अर्थात डी ई चाहे वो एच आई हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, सबका अर्थात टीसी और वीसी का जो अंतर है वो बराबर है। क्यों है, इसलिए है क्योंकि हम 23 यहां पे दे रखा है, और 23 में से हम क्या कर देंगे, 10 घटा देंगे, तो कितना होता है, 33 हो जाता है,
33 होता है ना, 10 10 का अंतर है सब में, ओके। तो इसलिए इसका अंतर ठीक है, टीसी और वीसी का अंतर इन सब बिंदुओं पर क्या है, सेम है, बराबर है, ओके। अगला देखिए कि जो ये स्थिर लागत है एकदम से पड़ी रेखा होगी। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि स्थिर लागत को दिखाने के लिए कभी क्या होता है कि इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये तो मैंने आपको बताया कि इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती है तो तब हमें एकदम से बिना टेबल के भी और बिना क्या उसका नाम ये अंक दिए हुए भी हमें क्या करना पड़ता है, रेखा चित्र बनाना पड़ता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी हमारी, एकदम से पड़ी होगी, ओके, जो इसलिए पड़ी हो गई, ओके जी। उसके बाद ये हमारी वीसी हो गई और उसके बाद हमारी टीसी हो गई। तो इस प्रकार से देखिए सबसे नीचे कौन है, एफसी है, उससे ऊपर क्या है, बीसी है, और बीसी से ऊपर टीसी है, ओके। तो सबसे पहले लागत कौन सी आती है, एफसी आती है, एफसी के बाद इस एफसी को जोड़ते हैं और बीसी को जोड़ते हैं, ठीक है, एफसी और बीसी को जोड़ा तभी तो क्या बना, टीसी बना। तो इसलिए यह जो टीसी वाला कर्व है ये सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये इसके ऊपर ए, अर्थात इन दोनों को जोड़ा और तब जाके बन गया टीसी। अब टीसी क्या बतला रहा है, वही बतला रहा है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, एक्स गुड्स का उत्पादन बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कुल लागत भी बढ़ती चली जा रही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एकदम से स्थिर होने के कारण, ठीक है, वीसी और टीसी के प्रत्येक बिंदु पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अंतर क्या है, सेम है, यहां पर भी अंतर सेम है, यहां पर भी अंतर इतना है इतना है इतना है इतना है इतना है, ओके जी। इतनी बात तो क्या होगी, क्लियर हो गई। अब लास्ट में आता है एफसी और बीसी में अंतर, अर्थात स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत में अंतर। एफसी लिखा हुआ है, इसको यहां से देख लीजिए, स्थिर लागत हो गया और परिवर्तनीय लागत हो गया, वीसी हो गया, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो इनको अंतर को देखते हैं कि पहला कि जो एफसी है यह शून्य नहीं होती है, पहले बता चुका हूं कि स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होती है, चाहे उत्पादन हो या ना हो, ओके। इसके ठीक उल्टा क्या हो जाता है कि वीसी यदि उत्पादन नहीं होता है तो शून्य हो जाती है यह लागत, ओके। तो वीसी शून्य हो सकती है लेकिन एफसी शून्य नहीं हो सकती है। दूसरा देखिए अंतर, उत्पादन में वृद्धि या कमी में स्थिर, अर्थात जो एफसी होती है वो क्या होती है, चाहे उत्पादन बढ़े चाहे घटे तभी लागत क्या होती है, स्थिर रहती है। जैसे कि मैंने टेबल में बताया था आपको कि 10 10 10 स्थिर बनी रहती है, लेकिन इसके ठीक उल्टा क्या होता है, वीसी क्या होती है, उत्पादन में वृद्धि या कमी से परिवर्तित होती है। उत्पादन बढ़ेगा तो परिवर्तनीय लागत बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा तो परिवर्तनीय लागत घटेगी। अगला देखिए तीसरा है, खर्चे की मदें, अर्थात जो फिक्स्ड कॉस्ट है या स्थिर लागत है इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं, कि जहां प्लांट लगा होता है, कहां लगा हुआ है, जमीन पे लगा हुआ है, भूमि है, भवन है, ठीक है, बिजली है, उसका क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो वहां पे रहने वाले अस्थायी कर्मचारी है उनको वेतन देना पड़ेगा, ठीक है, जो स्वेपर है लगे वहां पे उनको भी क्या करना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चाहे जल है पीने वाला उसका भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे उत्पादन हो या ना हो, ओके। तो ये तो पहले क्या होता है, निश्चित रहता है, प्लांट लग जाता है तो सारी व्यवस्थाएं हो जाती है उसमें, पहले से उत्पादन तो बाद में होता है, पहले बता चुका हूं। तो इसके खर्चे अर्थात एफसी की खर्चे की मदें अलग हैं जबकि बीसी की खर्चे की मदें अलग हैं। लेकिन बीसी में क्या होता है कि जब उत्पादन शुरू होता है तो कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, जैसे कपड़ा है तो कपड़े के लिए क्या चाहिए, कपड़े का उत्पादन करना है तो कपड़े के लिए चाहिए सूती कपड़ा है तो सूत की जरूरत पड़ेगी, सूत को खरीदना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा कपास लेना पड़ेगा, कॉटन लेना पड़ेगा, ओके। तो खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कच्चा माल लेना पड़ेगा, मजदूरी लेबर ज्यादा लगानी पड़ेगी उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ, तो इस प्रकार से बीसी क्या हो जाएगी, मजदूरी, यहाँ पे मजदूरी इसके अंतर्गत आ जाएगी, और परिवहन भाड़ा, अर्थात जो कपड़ा बनाने से कच्चा माल पहुंचा आपके कहाँ, फैक्ट्री तक, फिर फैक्ट्री से तैयार माल बाजारों तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास परिवहन के साधन चाहिए, और परिवहन के साधनों को क्या देना पड़ेगा, उनका किराया जैसे भाड़ा कहते हैं, रेंट देना पड़ेगा, ओके जी। इस प्रकार से खर्चे की मदें क्या होती हैं, स्थिर लागत की और परिवर्तनीय लागत की क्या है, अलग अलग है। चौथा जो है वह है कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण में दोनों लागतें क्या होती हैं, अपनी भूमिका को अदा करती हैं, लेकिन जहां तक बात है वीसी की या परिवर्तनीय लागत की, अल्पकाल में यदि क्या होती है, डिमांड बहुत कम हो जाती है
तो जो उत्पादक है वह स्थिर लागत पर भी क्या कर सकता है, यह घटा उठाकर क्या कर सकता है, उत्पादन को जारी रख सकता है, लेकिन उसे कम से कम क्या होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट अर्थात परवर्ती लागत जरूर प्राप्त होनी चाहिए। और यदि उसको परवर्ती लागत प्राप्त नहीं होती अल्पकाल में तो फिर वो क्या करेगा, उत्पादन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया इसमें अंतर। तो आज पूरे टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया, इसी पे चले हम कि अल्पकालीन लागतों में स्थिर लागत किसे कहते हैं, परवर्ती लागत किसे कहते हैं, कुल लागत किसे कहते हैं। उसके बाद आपको हमने टेबल के माध्यम से भी समझाया, फिर रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाया। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे बताया कि क्या जो ये FC है और VC है इन दोनों में क्या अंतर है।